5,99,990, 6 लाख रुपए में 10 रुपए कम। गाड़ी का पहले आप डायमेंशंस देख लो, गाड़ी की लंबाई देख लो, ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, व्हील बेस देख लो। ये गाड़ी भाई आपको ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट पे 4 स्टार स्विफ्ट रेटिंग के साथ मिलती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ने 4 स्टार स्विफ्ट रेटिंग अचीव करे हुए हैं क्रैश टेस्ट के अंदर, और वो भी जहां हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ग्लोबल एंड कैप पे। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर कोई गाड़ी आपको 4 स्टार सेफ्टिंग रेटिंग मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब कुछ भाई लोग लेकर आएंगे टाटा पंच को, बोलेंगे वो 5 स्टार के साथ मिलती है। भाई टाटा पंच और रेनॉल्ट काइगर का पहले आप डायमेंशन मिला लेना कितना फर्क है। वहीं अगर बात करूं मैं काइगर की, 5,99,990 एक्सशोरूम प्राइस है इसके। वहीं अगर हम पंच प्योर लेते हैं, बेस वेरियंट लेते हैं पेट्रोल में, तो वो पड़ता है आपको एक्सशोरूम 6,12,000 का। ये आपको पड़ जाएगा ऑन रोड 6,72,000 का, वो पड़ता है तकरीबन 7,05,000 के आसपास जाके। तो प्राइस में हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, बट डायमेंशंस आप देख सकते हो गाड़ी के कि क्या डायमेंशन है, क्या व्हील बेस है, क्या ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल रहा है। वेरिएंट कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और भाई मैं बात कर रहा था रेनॉल्ट काइगर के बारे में। रेनॉल्ट काइगर बेस वेरियंट देख रहे हो आप, RXE 5,99,990 प्राइस बताया मैंने आपको इसके, व्हाइट कलर के अंदर है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। तो फीचर्स देख लो भाई आप गाड़ी के, इसमें हमें 2 वाइपर दिए गए हैं विद सिंगल वॉशर, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, अच्छी बोनट व्यू मिल जाता है इसके अंदर देखने के लिए, मैं अच्छा खासा बोनट व्यू मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रिल मिलेगी, रेड ग्रिल, मैट ब्लैक में, और बीच में रेनो का लोगो मिल जाता है, वो भी बड़ा लोगो दिया गया है जो कि अच्छा लगता है, लुक को इसके इनहेंस कर रहा है। DRLs मिल जाते हैं, DRS और इंडिकेटर दोनों चीजें अलग दी गई हैं, एक साथ वर्क नहीं करेगा कि DRL या इंडिकेटर वर्क करेगा, दोनों चीजें। बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर आप ये चीज देखोगे तो काफी अच्छी है कि DRLs भी हैं और इंडिकेटर DRLs दोनों चीजें बिल्कुल अलग दी गई हैं। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है, बंपर का लोअर पार्ट पूरा ब्लैक मिलेगा, लोअर ग्रिल है जो, और यहाँ आपको कुछ पॉइंट निकला हुआ मिलेगा जो कि रफ एरियाज में जैसे घास घूस झाड़ी वगैरह में चलाओगे तो आप वहां बम्पर को आपको स्क्रैचेस से बचाएगा। बाकी फ्रंट देख सकते हो आप गाड़ी का, क्या प्राइस सेगमेंट के हिसाब से क्या व्यू मिल जाता है और क्या गाड़ी का फ्रंट है। साइड प्रोफाइल पे आ जाएंगे, स्टील रिम्स दिए गए हैं, फ्रंट डिस्क है, रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, ए पिलर बॉडी कलर है BC ब्लैक दिए गए हैं, ORBM ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा, और बेस वेरियंट के अंदर आपको इंडिकेटर यहाँ ORBM के अंदर दिए गए। हालांकि ORBM एडजस्टमेंट हमें स्टिक से मिलेगी, इसकी फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करने होंगे और एडजस्टमेंट स्टिक मिलेगी। यहाँ ब्लैक पार्ट मिलेगा, फेंडर पे क्लैडिंग मिलेगी सराउंडिंग गाड़ी के, बम्पर के नीचे भी और रनिंग बोर्ड पे भी, ब्लैक डोर हैंडल्स दिए गए हैं इसके अंदर, सी पिलर पे भी थोड़ा आपको ब्लैक पार्ट देखने के लिए मिलेगा, सिल्वर रूफ रेल्स दिए हुए हैं ब्लैक और सिल्वर, कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं दी हुई को ड्राइवर साइड पे, रियर हमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज हमें 195/60/16 का मिलेगा, 16 इंच के इसमें रिम्स दिए गए हैं, आपको टायर दिए गए। अब आ जाते हैं रियर लुक पे, तो यहाँ देखोगे आप कुछ इस तरह से LED बेस्ड टेल लैंप्स यूनिट दी गई है जो कि काफी अच्छी लग रही है देखने में। इंडिकेटर या फिर रिवर्स लाइट पार्ट आपको बूट गेट पर मिलेगा, बट बूट गेट पर ये रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे आपका रेनो की बैजिंग है, यहाँ काइगर की बैजिंग मिलेगी, रेनो का लोगो, यहाँ पे एयर फ्रेशनर्स मिलेंगे, एक टाइगर बना हुआ है और टोटल 4 टाइगर हैं, एक लेटा हुआ है, 2 आगे हैं, एक पीछे और बीच में काइगर खड़ी हुई है। प्लेन विंडशील्ड है रेनो की, आई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर है, थोड़ा रग फील मिलेगा ऊपर स्पॉइलर के ऊपर देखने के लिए। पीछे इसमें 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं और पूरा बम्पर का पार्ट लोअर वाला देखोगे तो आप नीचे पूरा ब्लैक दिया गया। यहाँ आपका फ्यूल लाइट हो गया इस जगह पे, ड्राइवर साइड चाबी की जगह दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का इंटीरियर, अब चलते हैं सॉरी तो भाई ये तो हो गया पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो उससे पहले की देख लो आप, कुछ इस तरह की मिल जाएगी रेनो का लोगो, और इसमें हमें सेंटर लॉकिंग वगैरह तो नहीं मिलती, बाकी की कुछ इस तरह से मिल जाती है। और ये आपका फ्यूल लाइट हो गया, मैनुअल लॉकिंग देख लेते हैं इसके अंदर, मैनुअल लॉकिंग कुछ अपडेशन हुई है नहीं हुई, सिर्फ एक ही डोर लॉक होगी, मैनुअल भी इसके अंदर आपको नहीं दी गई। पहले बूट गेट ही देख लेते हैं इसका, बूट स्पेस देख रहे थे हम, बूट गेट क्या देखना, इलेक्ट्रिक बटन से बूट गेट आपका ओपन होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का अच्छा स्पेसियस बूट स्पेस मिल जाएगा। कितने लीटर का है डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होगे, पार्सल ट्रे की जगह दी गई है, यहाँ स्पेयर व्हील
दिया गया है, टूल्स ऊपर रखे हुए हैं, ये एडजस्ट करके दे दिए जाएंगे जब गाड़ी डिलीवर होगी। बाकी हाइड्रोलिक बूट गेट और इलेक्ट्रिक बटन से खुलेगा, कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं दी गई। यहाँ पे आपका पैसेंजर डोर ओपन कर लेंगे तो पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर है और ग्लोसी ब्लैक स्ट्रिप दी गई है पैसेंजर डोर पर, जो कि काफी अच्छी लग रही है। लॉक अनलॉक के लिए डोर ओपनर, ग्लास अप डाउन करने के लिए, ये थोड़ा ऑड फील कराता है वेरिएंट के अकॉर्डिंग जाके, बट वेरिएंट के अकॉर्डिंग सही है, बट प्राइस वगैरह पे थोड़ा लगता है। यहाँ पे आपका एड ऑन हेड रेस्ट है, बेंच सीट मिलेगी, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है इस जगह पे, लाइट आपको एक आगे ही मिलेगी, स्पेस अच्छा मिल जाता है गाड़ी के अंदर, डुअल टोन में सीट्स हैं। और यहाँ जैसे ही हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे, जैसा मैंने दिखाया पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर है गाड़ी का, यहाँ स्ट्रिप मिलेगी चारों डोर्स पर आपको ब्लैक देखने के लिए, जो ग्लोसी ब्लैक में दी गई है। ये लॉक अनलॉक के लिए डोर ओपनर, ORVM एडजस्ट करने के लिए डोर एक्सेस हैंडल, फ्रंट की दोनों पावर विंडोज हैं, स्पीकर की जगह वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ, कैबिनेट टाइप बनाया हुआ जो कि अच्छी जगह है। यहाँ पे सेमी फैब्रिक सीट्स हैं डुअल टोन के अंदर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, बीच में आर्मरेस्ट दिया गया बेस वेरिएंट के अंदर, ये देखो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर दिए हुए, डेड पैंडल नहीं है। यहाँ पे हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए चाबी की जगह चाबी लगा देते हो, चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई बेस वेरिएंट का इंटीरियर भी देख लो गाड़ी का, यार फील लग्जरी फील तो कराता है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बोलोगे म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, बाकी देख के जैसे डैशबोर्ड वगैरह है, मीटर पूरा इसके अंदर डिजिटल दिया हुआ है, तो अच्छा प्राइस के अकॉर्डिंग प्रीमियमनेस मिलती है यार गाड़ी के अंदर। यहाँ बोनट व्यू देख लो, अच्छा बोनट व्यू मिल जाता है। यहाँ स्टेयरिंग देख लेते हैं पहले हम, स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, स्टेयरिंग आपको फिक्स मिलेगा, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है रेनो का लोगो, कोई स्टेयरिंग एडजस्टमेंट में नहीं मिलती, ना ही कोई आपको रैप वगैरह मिलेगा इसके ऊपर। तो भाई स्टेयरिंग एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं मिलती, फिक्स स्टेयरिंग मिलता है, थ्री स्पोक में स्टेयरिंग है रेनो का लोगो। टोटल इसमें हमें दो एयरबैग मिल जाते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर। यहाँ पे आपको तीनों स्पोक्स पे कुछ भी देखने के लिए मिलेगा, प्लेन स्पोक्स मिलेंगे बिल्कुल। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल हो गए इस जगह पे, यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर देख लो, इंस्ट्रूमेंट कंसोल किस तरह का मिलता है, रेनो लिखा हुआ है, इसमें भी ये पैनल टाइप मिलता है, बीच में स्पीड मीटर मिल जाता है, देखिए अभी मैं ऑन करूंगा, ये जो लेफ्ट में गए ये RPM से बीच में स्पीड मीटर मिल जाएगा, जिसमें आप ट्रिप वगैरह, रेंज वगैरह, इंस्टेंट माइलेज वगैरह, फ्यूल यूज वगैरह इसके अंदर आप देख सकते हो। ऊपर रेनो की बैजिंग, फ्यूल गेज, ऊपर इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ, वेंट्स के सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक फिल दिया हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है एसी वेंट्स के सराउंडिंग। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड भी आ जाएगा, बोनट भी आप देख सकते हो। यहाँ एयरबैग की आपकी नोटिफिकेशन, एयरबैग मेंशन किया हुआ, नोटिफिकेशन बोल के हमें एयरबैग मेंशन किया हुआ। यहाँ भी पूरा ग्लोसी ब्लैक आपको एक स्ट्रिप टाइप देखने के लिए दी गई है, इसमें देखने के लिए नहीं दी गई, मिलती है इस वेरियंट के अंदर। यहाँ आपका म्यूजिक सिस्टम की जगह है, टूडिन लगवाना है, टच में लगवाना है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, अपने अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हो। ये दो एसी वेंट्स हैं, यहाँ आपका हजार लाइट का बटन है, ये बूट गेट ओपन करने के लिए, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर हमें। ये आपका एसी के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ एसी मोड्स के लिए, ये आपका इनटेक आउटटेक हवा के चेंज करने के लिए, ये आपका टेम्परेचर आप एसी का यहाँ से सेट कर सकते हो, और एसी का बटन भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस जगह पर आपको गियर कंसोल में थोड़ी जगह मिल जाएगी। अपर वेरिएंट में जैसे हमें काइगर में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, तो ये जगह अभी भी बनी हुई है। नीचे आपको यहाँ पे गियर कंसोल में जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह मिल जाती है इस जगह पर, कुछ इस तरह से पांच गियर के साथ आपको गियर लीवर मिलेगा इसका, यहाँ जगह मिल जाएगी, अच्छा ही डीप स्पेस दिया हुआ है, आर्म्स रेस्ट मिल जाता है, स्लाइडेबल नहीं है बट बेस वेरिएंट के अंदर आर्म रेस्ट दिया हुआ। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक्स हो गए मैनुअल, और ये भी ना देखो कवर टाइप करे हुआ कुछ, जैसे कि इसको गियर लीवर को किया हुआ है, कुछ इस तरह का स्पेसियस आपको ग्लोव बॉक्स स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल IRVM मिलेंगे फिक्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ वाइट रीडिंग लाइट है इस जगह पे, वेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया हुआ, बाकी सन वॉइजर्स की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, टिकट होल्डर दिया गया है यहाँ पे, क्वालिटी काफी अच्छी लगी, आप देखना एक बार। बाकी ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका हम बोनट ओपन करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, हालांकि पाइप हमें रेनो की गाड़ियों में कुछ विजिबल ही मिलता है, जो वॉशर का पाइप है, और यहाँ वॉशर वाटर पानी भरने के लिए जगह दी हुई है, वाटर पानी भरने के लिए जगह दी हुई है। यहाँ कुछ इस तरह से हमें इंजन मिल जाता है,
एक लीटर का एनर्जी पेट्रोल इंजन मिलेगा इसमें, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 71 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है 96 न्यूटन मीटर का, 20.18 मतलब 20.5 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। 807 किलोमीटर फुल टैंक पे आपका ये चल सकती है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर हमें। वहीं बात करूं फ्यूल टैंक की तो 40 लीटर का फ्यूल टैंक है और 405 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस दिया गया, मतलब कि 40 लीटर में आपकी गाड़ी 807 किलोमीटर चल जाएगी। भाई ये था रेनो काइगर RXE बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।